प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए वाराणसी में तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस बेहद खास आयोजन में 152 देशों के 8,000 से भी ज़्यादा प्रवासी भारतीयों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिनके लिए खेलकूद और सांस्कृतिक सभ्यता का मिला जुला कार्यक्रम पेश करने की तैयारी चल रही है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर मुख्यतः दो उसको भागों में बांटा जा सकता है। एक तैयारी उस क्रम में है जहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे काशीवासियों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि स्वागत के लिए सब लोग उसमें एक साथ एक बनारस एक एकजुट रूप उसका प्रकट हो। और दूसरा है जो स्थापना रिलेटेड है, यहाँ पे चाहे उसमें सौंदर्यकरण का कार्य है या फिर टेंट सिटी के निर्माण का कार्य है या फिर जो रोड्स हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो भी टूल्स हैं, चाहे वो आरओबी का निर्माण हो या रोड्स का निर्माण हो या संपर्क मार्ग का हो, उन सब पे कार्य हो रहा है। तो ये सभी पहलुओं पे वृहद स्तर पे कार्य हो रहा है और 14 जनवरी तक स्थापना के सभी बड़े कार्य और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो पिछले लगभग 80 दिनों से लगातार अनवरत चल रही हैं, उसको भी आखिरी इसके 2-3 कार्यक्रम जनवरी में प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह में करवाए जाएंगे, जिसको ये जानकारी आपको भी मिल जाएगी। इसमें मुख्यतः काशी क्रीड़ा उत्सव रहेगा और एक फिल्मोत्सव रहेगा। तो इसके साथ हम लोग अपना जो प्री पीबीडी तैयारियां हैं वो हम लोग 15 जनवरी तक पूर्ण कर लेंगे।